बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले समझ लेते ना बॉइलिंग क्या होता है, टर्म जो है वो बॉइलिंग क्या होता है। तो बॉइलिंग मतलब कि जिस टेम्परेचर पे ना कोई भी लिक्विड है ना वो लिक्विड से गैस में फॉर्म में चेंज होने लगे, मतलब द टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। बट एक्चुअली ये डेफिनेशन ना सही नहीं है, ठीक है। गैसियस गैस फेज जैसा बोल सकते हैं कि गैस के फेज में चेंज होने लगता है, तो एक्चुअली डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों? एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, प्रेशर पे कैसे। तो अभी मान लो अपने पास ये ना एक कंटेनर है, ये कंटेनर में अपने पास ये लिक्विड है, इसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ना समझ के ना हम लोग इसको ऐसा समझें कि ये अंदर में आदमी है और बाहर से कितने आदमी हैं, मान लो ये और भी ज़्यादा, मान लो कि इनकी जो अंदर में ना जितने अंदर में मॉलिक्यूल है उतने ही इसके सरफेस के बाहर में। तो होगा क्या, जो लिक्विड हीट होने के बाद जब हीट हम लोग देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये कहाँ जाना चाहेंगे, बाहर के साइड में। पर जितने इधर आदमी हैं उतने गए हैं बाहर हैं, तो ये ना बाहर जा पाएगा। और ये नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ऊपर फोर्स लगाएंगे और ये वाले जो है इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो कहाँ पर ऊपर नहीं जा पाएगा और नीचे वाला इसको नीचे नहीं आने देगा। तो ऐसे क्या होगा, लेयर बाय लेयर क्या होगा, लेयर बाय लेयर हीट होने लगेगा। तो उस टेम्परेचर को हम लोग जब तक कि ये वो टेम्परेचर जब इसके पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनके पास इतनी एनर्जी हो जाए कि ये बाहर स्केप कर सके, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो अगर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर मतलब कि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब हमको पता है कि प्रेशर जब हम लोग अर्थ से ऊपर जाते हैं, अर्थ से अपर साइड में, तो प्रेशर क्या होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने लगता है। तो मतलब जितना ज़्यादा हम लोग ऊपर जाएंगे अर्थ से, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। थैंक यू।